बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यू आर वाचिंग टीएस नॉलेज टीवी चैनल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो जानवरों की खुराक है, इसमें इस्तेमाल होने वाले अज्जा, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की खलें आ जाती हैं और कुछ दूसरे अज्जा हैं, उसके बारे में आपको बताएँगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इसे शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ताकि आपको जो बाजारी वंडे हैं उनमें इस्तेमाल होने वाले अज्जा और जो बाकी खले हैं उनकी हकीकत का पता चल सके, और उसके बाद आप बग़ैर किसी हिचकिचाहट के और बग़ैर किसी से पूछने के आप बाज़ार से जाके अगर दूध वाला वंडा ख़रीदना चाहें, ये कोई आपको कहे कि ये वंडा जो है ये गोश वाले जानवरों के लिए है, तो आप उससे पूछ लें कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ मिक्स की हुई है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा वंडा ख़रीदना है, आपके जानवरों के लिए कौन सा बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें कवर की हैं। दोस्तों, वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं होता, इसमें हमें काफ़ी जो बुक्स हैं उससे कंसल्ट करना पड़ता है, और फिर जो ज़्यादा जो वेटरनरी का और जानवरों का जो मटेरियल होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, उसको ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचाना ये काफ़ी मेहनत तलब काम है। तो इसमें हमें तो बस ये ही होता है कि आप लोगों से जो है रिस्पांस अच्छा मिले, तो हम कोशिश करते हैं कि हर तरह से हर चीज़ को कवर करने की तमाम एंगल से। तो अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो आप मज़ीद कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, और वीडियो में आप पूछ भी सकते हैं कि ये इस चीज़ की हमें समझ नहीं आई, उसको हम नेक्स्ट कवर करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों के जो कमेंट्स हैं उनके हम जवाब देते हैं, कुछ के नहीं भी दे पाते वो नीचे चले जाते हैं, तो आप माइंड ना किया कि दूसरी वीडियो में हमें कमेंट करके पूछ लिया करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जो चीज़ें हमने इसमें कवर करनी है, इसमें जी चीज़ें होंगी मकई के फूले, किन्नू माल्टे का छिलका और गूदा, शीरा राब मकई का शीरा, खल मनोला माँ छिलका और खल बनोला छिलके के बगैर, पाम कर्नल केक, चिकंदर का गोदा और जो खल तोरिया है वो, मेज़ ग्लूटन क्या होती है, राइस पॉलिश क्या चीज़ है, चोकर गंदम क्या है और जो खल सूरजमुखी है, ये सारी चीज़ें हम वन बाई वन कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, शुरू करते हैं जी मूँगफली और तिलों की खल से। ये खल इतनी आम नहीं है, मगर इन इलाकों में जहाँ ये फसलें उगाई जाती हैं वहाँ महदूद मकदार में दस्तियाब है। इसमें लहमियात की मकदार 25 से 36 फीसद तक होती है। ये खल बनोला की तरह इतनी नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, इनकी आज़मियत भी निस्बतन कम है और इनमें नापसंदीदा अज़ा भी ज़्यादा होते हैं, ताहम एक महदूद मकदार में 20 से 25 फीसद तक राशन में इस्तेमाल की जा सकती है। खल सूरजमुखी की अगर बात करें दोस्तों, तो ये खल सूरजमुखी के बीजों से तेल निकालने के बाद ज़िबनी अज्जा के तौर पर हासिल होती है, और इसमें लहमियात का तनासब 30% है और इसमें रेशा की मकदार कदर ज़्यादा है, जो कि 26% तक होती है। आगे अगर बात करें राइस पॉलिश की, दोस्तों राइस पॉलिश क्या है, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं और ये वंडे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये चावलों की सनत का एक ज़िमनी जुज़्व है। इसमें लहमियात का तनासब 12 से 13% और चिकनाई का तनासब 14% होता है। ये खुराक में 20 से 25% तक इस्तेमाल किया जा सकता है। कीमत के लिहाज से दीगर तवानाई के ज़राए की नस्बत ये सस्ती होती है। इसमें मिलावट की वजह से इसकी क्वालिटी कम हो सकती है। क्वालिटी को चेक करने के लिए इसमें मौजूद चिकनाई और ऐश को मद्दनज़र रखा जाता है। कम चिकनाई और ज़्यादा ऐश में मिलावट की निशानियाँ होती हैं। गर्मियों में स्टोर करने की वजह से इसमें नागवार बू भी पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से जो राइस पॉलिश है इसे जानवर इतना शौक से नहीं खाते। चोकर गंदम है, दोस्तों ये गंदम का छिलका है जो पिसाई के दौरान अलहदा हो जाता है। इसमें कुल काबिल हजम अज्जा 70% और लहमियात का तनासब 13 से 14% तक होता है। जानवर इसे शौक से खाते हैं और इसको राशन में 30 से 35% तक इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे अगर बात करें दोस्तों चोकर मकई की, ये मकई का छिलका होता है जो मकई की प्रोसेसिंग के दौरान अलहदा हो जाता है। इसमें प्रोटीन 10 से 12% और कुल काबिल हजम अज्जा 80% होते हैं। ये भी रफहान मेज़ प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी की एक प्रोडक्ट है। चने मटरी वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं। इन जनास में दोस्तों 20 से 28% तक प्रोटीन होती है
اور ساتھ ہی یہ توانائی کا اچھا ذریعہ ہے۔ ان میں بعض اوقات ناپسندیدہ عناصر ہوتے ہیں، تاہم اگر یہ انسانی خوراک سے فالتو ہوں اور کم قیمت میں دستیاب ہوں تو انہیں جانوروں کی خوراک میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ بہت اچھا رزلٹ دیتے ہیں۔ آگے میرے پاس چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں، اس میں کھل مکئی ہے۔ دوستو کھل مکئی بھی رفان میز پروڈکٹس لمیٹڈ کمپنی کی ایک پروڈکٹ ہے۔ اس میں پروٹین 17 سے 21%، چکنائی 7 سے 9% اور جو فائبر کنٹینٹ ہے وہ 8 سے 12% ہوتے ہیں اور کل قابل ہضم اجزاء 85% تک ہوتے ہیں۔ یہ جانوروں کی مرغوب غذا ہے۔ اس کا مقابلہ کھل منولا سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر سستی مل جائے تو یہ اکیلی کھل بطور ونڈا جانوروں کی پروٹین کی جو ضروریات ہے اس کو بھی یہ پورا کرتی ہے، اور لوگ اسے اکیلا بھی یوز کرتے ہیں اور مختلف جو ونڈا جات ہیں اس میں ملا کے بھی یوز کرتے ہیں اور توانائی کی ضرورت کو یہ پورا کر سکتی ہے۔ اس کو کھلانے سے دودھیل جانوروں کے دودھ میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ آگے اگر بات کریں فرینڈز کے جو میز گلوٹن ہے اس کی، تو میز گلوٹن یہ بھی مکئی کے ضمنی اجزاء میں سے ہیں۔ ان کا بڑا ذریعہ بھی رفان میز پروڈکٹس کمپنی لمیٹڈ فیصل آباد ہے، جہاں یہ پروڈکٹس جو ہے اس علاقے میں عام ہیں۔ ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، میز گلوٹن 20%، میز گلوٹن 30% اور میز گلوٹن 60%۔ 20% جو میز گلوٹن ہے یہ 0% گریڈ کی کھل جانوروں میں استعمال کی جا رہی ہے۔ ان کی لحمیات کی کوالٹی بنولا کی کھل سے کم ہے۔ جانور شروع میں زیادہ خوش ہو کر نہیں کھاتے مگر بعد میں اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ میز گلوٹن کھل بنولا سے سستی ہے۔ اس کو ونڈے میں 25 سے 30% تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ مقدار میں ڈالنے سے ونڈا غیر لذیذ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی ونڈے کی کمپوزیشن میں میز گلوٹن ہے وہ آپ کو نہیں مل رہی تو آپ اس کی جگہ پہ کھل بنولا استعمال کر سکتے ہیں۔ کھل بنولا تھوڑی سی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ آگے دوستو مکئی کے جو تکے ہیں جسے تکلے بھی کہتے ہیں، یہ بھی استعمال ہونے والی چیز ہے۔ مکئی کے دانے علیحدہ کر لینے کے بعد جو چیز باقی بچتی ہے وہ مکئی کے تکے کہلاتے ہیں۔ اس کے اندر خشک مادہ 90%، لمحیاتی اجزاء 2 سے 3%، ریشہ دار اجزاء اس میں 88% ہوتے ہیں اور لگنن کی مقدار 11% ہوتی ہے۔ ریشہ دار اجزاء کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا جو ہاضمیت ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور جانوروں کو زیادہ مقدار میں یہ نہیں کھلا جا سکتے، لیکن اگر ان کو مشین کے ذریعے بری کر کے یوریا اور شیرے کے ساتھ ملا کر جانوروں کو دیا جائے تو وہ ان کو کھا لیتے ہیں، اور اس طرح یہ تکے بھی جانوروں کے میں چارے کی کمی کے موسم میں کھلا جا سکتے ہیں۔ یہ تکے بھی رفان میز پروڈکٹس کمپنی کی لمیٹڈ سے مل جاتے ہیں۔ آگے اگر بات کریں فرینڈز تو کھل توریہ کی، جو کہ بہت عام ہے، یہ نسبتاً کم استعمال ہونے والی کھل ہے کیونکہ اس میں کچھ زہریلے مادے بھی موجود ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو جانور اتنے شوق سے نہیں کھاتے۔ کھل توریہ میں پروٹین 35 سے 40% ہوتی ہے اور قابل ہضم اجزاء 80% ہوتے ہیں۔ یہ راشن میں 10 سے 15% تک استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ مقدار راشن کو غیر لذیذ بنا دیتی ہے اور جانور اسے اتنا شوق سے نہیں کھاتے۔ آگے میرے دوستو کنولا میل کی اگر بات کریں تو کنولا میل ایک اہم زرعی ضمنی جزو ہے۔ اس میں پروٹین اور کل قابل ہضم اجزاء کا تناسب جو ہے وہ کھل کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، مگر یہ کھل توریہ کی طرح غیر لذیذ نہیں ہوتا۔ شروع میں جانور اس کو ناپسند کرتے ہیں مگر تھوڑے عرصے کے بعد اسے کھانے لگ جاتے ہیں۔ اس کو ونڈے میں جتنا چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے جانوروں کی شرح بڑھوتری اور دودھ کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ کھل بنولا 2 قسم کی ہوتی ہے بھائیو، ایک کھل بنولا چھلکے والی اور ایک کھل بنولا چھلکے کے بغیر۔ جو کھل بنولا چھلکے کے بغیر ہے یہ کھل بنولا کی بہتر شکل ہے، اسے کاٹن سیڈ میل بھی کہتے ہیں۔ اس میں بنولا کا اوپر والا سخت چھلکا جو ہوتا ہے وہ ہاضمیت اس میں کم ہوتی ہے، شامل نہیں ہوتا، اور اندرونی جو اندر والی اس میں کلی ہوتی ہے اس کو پریس کر کے تیل نکالنے کے بعد میل بنا لیا جاتا ہے۔ اس میں لحمیات تقریباً 40% ہوتی ہیں اور قابل ہضم اجزاء اس میں 80% ہوتے ہیں۔ یہ کھل کی نسبت سستا پڑتا ہے، جانور اسے شوق سے کھاتے ہیں، اور یہ دستیاب ہو جائے تو اس کو جو قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ آگے میرے بھائی اگر بات کریں جو چکندر کا گودا ہے، یہ بھی یوز ہوتا ہے۔ چکندر سے چینی بنانے کے لیے اس کا رس نکالنے کے بعد جو پھوگ وغیرہ بچ جاتا ہے اسے چکندر کا گودا یا بیٹ پلپ کہتے ہیں۔
इसमें प्रोटीन की मिकदार 9 से 10% तक हो सकती है। जुगाली करने वाले जानवरों के लिए तवानाई का सस्ता जरिया है। ताज़ा हालत में इसमें पानी की मिकदार 85 से 90% तक होती है, इसलिए इसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना मुश्किल होता है। अलबत्ता खुश करने के बाद इसमें पानी की मिकदार कम हो जाती है, इसलिए मुंतकिल करना आसान हो जाता है। इसको ताज़ा या खुश्क दोनों हालतों में जानवर को खिलाया जा सकता है। लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए इसकी साइलेज भी बनाई जा सकती है। ताज़ा गोदाम 12 किलोग्राम और खुश्क गोदा 3 से 4% तक दुधेल जानवरों को खिलाया जा सकता है। जानवरों को फरबा करने के लिए भी 4 से 5 किलोग्राम रोजाना ये खिलाया जा सकता है। आगे बात करें अगर पाम कर्नल केक की, ये जो पाम फ्रूट से तेल निकालने के बाद बाकी रह जाने वाले फोक को पाम कर्नल केक या पाम केक कहा जाता है। ये आजकल मलाशिया से दरामद किया जा रहा है। इसमें प्रोटीन 14 से 15% और रेशेदार अज्जा 14 से 28% हो सकते हैं। ये जानवरों की मरगूब गजा नहीं है, लेकिन इसको खुराक में 20% तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कम कीमत पर मिल जाए तो खुराक की कीमत कंट्रोल करने में मदद दे सकता है। आगे दोस्तों, जो खल बनोला पहले मैंने आपको छिलके के बगैर बताई थी, अब जो खल बनोला छिलके वाली उसकी अगर बात करें तो खलों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खल बनोला है। इसमें लहमियात 20 से 22% और कुल काबिल हजम अज्जा 63% होते हैं। ये जानवरों की मरगूब गिज़ा है। इसकी मकबूलियत और कम पैदावार की बदौलत लोग इसमें लकड़ी के बरादे या इस किस्म की किसी और चीज़ की मिलावट कर देते हैं, इसलिए बाजार में इसका खालिस हालत में मिलना खासा मुश्किल हो गया है। इसमें एक और नुकसानदार जो मादा है जिसे गोसी बोल भी कहते हैं वो भी होता है, मगर जुगाली करने वाले जानवरों में ये बेलमूम नुकसानदार नहीं होता। ये खल भी अगर सस्ती और खालिस हालत में मिल जाए तो ये अकेली ही बतौर वंडा जानवरों की प्रोटीन और तवानाई की जरूरत को काफ़ी हद तक पूरा कर सकती है। इसको खिलाने से दुधेल जानवरों के दूध में खातर खा इजाफा हो जाता है और दुधेल जानवरों के दूध और मक्खन से एक ख़ास किस्म की पसंदीदा खुशबू आती है। इसका मसला ये होता है कि अगर खल बनोला को फफूंदी लगी हुई है, फंगस वाली वो है, सही तरह से स्टोर नहीं किया हुआ, या फसलों पे ज़्यादा स्प्रे और सिस्टमेटिक जो पेस्टिसाइड हैं और इंसेक्टिसाइड हैं वो यूज़ हुई हों, तो जानवरों में साड़ू और मस्टाइटिस का प्रॉब्लम आ सकता है। इसका इस्तेमाल करते वक्त आपने जो फंगस है वो चेक कर लेनी है। लेते वक्त अगर जानवरों को फंगस लगी हुई खल है तो वो आपने नहीं खिलानी। खल बनोला के साथ साथ आगे मेरे पास जो चीज़ है वो है जी शीरा या राब। दोस्तों, जानवरों की खुराक में इस्तेमाल होने वाला तवानाई का सबसे जरिया शीरा है। कुछ लोग इसे महलूल हालत में देखकर ये समझते हैं कि शायद इसमें 75 से 80% पानी होगा, मगर असल हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। इसमें खुश्क मादा 70 से 80% तक होता है। लोग इसमें पानी की मिलावट करके बेचते हैं। इसकी क्वालिटी के अनुसार इसमें मौजूद शुगर की मकदार पर होता है। इसको देखने के लिए शीरे की ब्रेक्स वैल्यू देखी जा सकती है। अच्छे शीरे की ब्रेक्स वैल्यू 80 होती है। जितनी ये वैल्यू कम होगी इसमें पानी की मिलावट उतनी ही ज़्यादा होगी। दोस्तों, जो राशन में शीरे की मकदार है वो 10 से 15% तक इस्तेमाल होती है। अगर शीरे की मकदार ज़्यादा रखी जाए तो जानवरों में जो दस्त है या साल है वो लग जाते हैं और वंडा भी ज़्यादा नमी वाला महसूस होता है। दोगली नस्ल के जानवर शीरा खाने से गर्मी ज़्यादा महसूस करते हैं, इसलिए दोगली नस्ल के जानवरों में शीरे का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। अगर मकई की शीरे की बात करें तो ये मकई की सनत का एक अहम ज़िमनी जुज़्व है। इसमें 80% डेक्सट्रोज होती है। इसमें खुश्क मादा 70%। ये तवानाई का एक सस्ता मुतबादल है। इसकी खासियत तेजाबी है। इसको राशन में 30 से 40% तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रोडक्ट रफान मेज प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड से दस्तियाब है। मकई का खमीरा पानी भी होता है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है जिसकी वजह से इसकी खासियत भी तेजाबी होती है। इसमें प्रोटीन का तना 40% तक होता है। इसमें नमी की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार 50% तक होती है। इसको जानवरों के वंडे में 20 से 25% तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रोडक्ट भी रफान प्रोडक्ट्स कंपनी से दस्तियाब है। दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो हम जानवरों के जो खुराक के अज्जा है उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग गंदम और मकई को भी इस्तेमाल करते हैं। वो गंदम का दलिया दलवा लेते हैं और मकई का भी दलिया दलवा लेते हैं। वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो 25 से 40% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जानवरों को फुल मकई पे या गंदम के दलिए पे कर देंगे तो उनके मैदे में एसिडिटी और जो बाकी चीज़ें वो पैदा हो जाती हैं,
इससे उनका निज़ाम निज़ाम थोड़ा सा जो डिस्टर्ब होता है। तो आपने ये चीज़ें सोच समझ कर इस्तेमाल करनी है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको वनडे के अज्जा का पता चल जाए और जो भी आपको सस्ती कीमत में चीज़ मैसर हो आप वो लें और जो बताई हुई वैल्यू है इसके मुताबिक अपने वनडे में ऐड करें, जानवरों को खिलाएं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी किस्म की समझ ना आई हो तो आप दोबारा मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।